असुरराज, सुंदरता में अपनी मति मत गवाइए। स्त्री हमें छल रही है। हो ना हो, ये सुंदरी देवताओं का छल है। इतना बड़ा आरोप? हे महादेव, ये धरा फट क्यों नहीं जाती? मेरी ओर देखिए असुरराज, क्या मैं आप जैसे महान और करुणामयी राजा को छल सकती हूँ? कोई उत्तर नहीं। मान लीजिए असुर श्रेष्ठ की बात, मैं आपको छलने आई हूं। मैं तो आई हूं ये सारा अमृत देवताओं को देने। और ये भी मान लीजिए कि मैं आपके मन को मोह लेने वाली मोहिनी नहीं, स्वयं छलिया नारायण हूं। नारायण? माता, ये क्या कर रहे हैं प्रभु? ये मूर्ख जो स्वयं सोच भी नहीं सकते, प्रभु उन्हें स्वयं वो सब बता रहे हैं। नारायण। माता, ये क्या? वहां प्रभु स्वयं अपना भेद खोल रहे हैं और यहाँ मुस्कुरा रही हैं। यही तो संतुलन है देवऋषि। नारायण वो है जो संतुलन और धर्म की रक्षा के लिए छल को अपना अस्त्र बना लेते हैं, और छल भी इतना मोहक कि स्वीकार करने के पश्चात भी अधर्मियों को उसका आभास तक नहीं होता, और जिसे आभास होता है उसके साथ छल करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मूर्ख है मेरे पुत्र, अमृत के लिए माता को ही भूल गए। कहीं ये भी ना भूल जाए कि अमृत के लिए वो नारायण कोई भी छल कर सकते हैं। मत कीजिए मुझ पर विश्वास। हाँ सुरराज, इस सुंदरी पर विश्वास करना मूर्खता है। ये कैसी लीला है आपकी? स्वर भानु की निष्ठा के आगे मैं शून्य हूँ असुरराज। आप इन्हीं की बात मानिए, मेरे छल को समझिए। हाँ असुरराज, ये सुंदरी। मौन रहो स्वर भानु। मुझे तो लगता है तुम्हें मुझसे ईर्ष्या हो रही है। देखो देखो इस सुंदर मुख को, इस रूप को। ये छल नहीं, निश्चलता और सत्य का स्वरूप है। छलना तो उस नारायण का काम है। ये भोली भाली सुंदरी हमें क्या छलेगी? असुरराज, इस पर विश्वास नहीं। असुरराज, आप सुंदरता पे मत जाइए, अपने विश्वास पात्र की बात सुनिए। रूप तो सदैव ब्रह्मति ही करता है। लीजिए अपना अमृत कलश, मुझे स्वयं पर कोई आरोप नहीं चाहिए। अभी तुम ही ने कहा था ना कि एक वीर अपना वचन निभाता है, तो मैं असुर राज बलि ये वचन देता हूं कि इस अमृत का वितरण तुम ही करोगे। नहीं असुरराज, असुरराज के समक्ष अविनय। सुना नहीं तुमने? कोई बीच में नहीं आएगा।
ना असुर ना देवता, अन्यथा मैं शस्त्र उठाने पर विवश हो जाऊंगा। नारायण, अब कोई विघ्न नहीं है सुंदरी, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अमृत वितरण आरंभ करो। संसार की राजा की आज्ञा का पालन होगा। अभी अमृत का पान मैं स्वयं करवाऊंगी सबको। आइए मेरे पीछे। अद्भुत है नारायण की लीला। मोहिनी के मोह में अंधे इन असुरों के सामने नारायण ने सारा भेद प्रकट कर दिया, किंतु फिर भी ये मूर्ख समझ नहीं पाए और उनके पीछे ही चले जा रहे हैं। आहा, नारायण की माया। ये नारायण की माया नहीं, मुंह और काम की छाया है देवऋषि, जिसके कारण ये असुर भ्रमित हुए। जब दृष्टि और मति में विकार आ जाए तो बुद्धि दूषित हो जाती है। जो साक्षात नारायण के चेताने पर भी विकारों से मुक्त नहीं हो पाते, उन्हें ना अमृत मिलता है, ना सुख, ना समृद्धि और ना ही श्री। असुर श्रेष्ठ, अमृत वितरण की आज्ञा है। ये क्या राजा बनी, ये सुंदरी देवताओं की ओर के चली गई, रोकिए इसे। सुनो सुंदरी, वहां नहीं, यहां आओ। देवताओं से प्रथम और अधिक योग्य हम असुर हैं। भूल गए आप, किंतु मैं नहीं भूली। आप एक राजा हैं और राजा स्वयं से पूर्व अपने अतिथियों का सत्कार करता है। और पहले इन्हें अमृत पिलाकर आप ये सिद्ध कर दीजिए कि आप कितने महान राजा हैं, और दिखा दीजिए इन देवताओं को कि सत्कार क्या होता है। ऋषि दुर्वासा के सत्कार के अभाव में ये सब श्रीहीन हुए थे ना। आपकी आज्ञा हो तो प्रारंभ करूं मेरे प्रियतम। तुमने मुझे प्रियतम कह दिया, इससे बड़ा अमृत तो मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। आज्ञा है। अमृत पीने के पश्चात भी विष उगल रहा है, इसकी मंशा इसे अमृत के अयोग्य सिद्ध करती है। नारायण, इस भूल को सुधारिए। जानती हूं अमृत के प्रभाव से इसके प्राण नहीं ले सकते, किंतु जिस अमर शरीर का यह अभिमान कर रहा है, आपका सुदर्शन इसे क्षीण भिन्न तो कर ही सकता है ना।